रोड ते मौजूद हाँ। यूक्रेन तो कई विद्यार्थी जिहड़े कि वापस इंडिया परत रहे ने, दिल्ली तो फ्लाइटां दे राही जिहड़े चंडीगढ़ जां पंजाब दे वख-वख थावां दे जो विद्यार्थी ने वो मोहाली एयरपोर्ट पहुँच रहे ने, विद्यार्थी पहुँचे ने। एक साडे नाल गलबात कर लैणे भाजी, की नाम है जी? समर चौधरी। कित्थों आए हो? यूक्रेन दे विच कित्थे रहे सी? किन्ने दिन हो गए उत्थे तुहानूं, क्योंकि काफ़ी दिनों तो जंग चल रही सी, किन्ने दिन, किहो जिहे हालात ने? जी 7 दिन हो बाद आए हैं, खारकिव से आए हैं। खारकिव शहर है यूक्रेन के अंदर, सेकेंड बिगेस्ट सिटी। हालात धीरे धीरे ख़राब होते गए हैं। जब हम निकले तो हालात थोड़े बहुत ठीक थे, बट जिस दिन निकले उस दिन उन्होंने बमबारी शुरू कर दी थी सिटी के मेन सेंटर्स के ऊपर। खारकिव तो निकले, कई बार स्टूडेंट कह रहे हैं कि दिक्कत सानू बहुत आ रही हैं, खारकिव तो निकलना ही बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गांव तो इंडिया वालों जो कि बाय एयर जो कि रेस्क्यू किया जा रहा है, पर उन्ने एरिए दे विच निकलना बहुत औखा, क्योंकि गोलीबारी चल रही है, बमबारी हो रही है। उत्थों किहो जिहे हालात सी, उत्थों किवें निकले फिर? जी कहने को तो हम बड़े लकी थे, हम ट्रेन स्टेशन पे गए एंड ट्रेन स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, तो किसी ना किसी तरह हम ट्रेन में चढ़ गए वेस्ट साइड पे जाने के लिए। पर हमारे भी और ही कुछ साथ वाले दोस्त थे जो वहाँ रह गए, जो नहीं जा पाए, तो उनको 20 किलोमीटर दूर जाके एक जगह पे रहना पड़ा, जब रशियन आर्मी ने कहा कि इस टाइम तक आप निकल जाए। तो लक की बात थी, निकल गए। हैं सहूलियत थोड़ी बहुत ट्रेन्स के थ्रू जाने की, बट वही खतरा उठा के घर से निकल के ट्रेन स्टेशन तक जाना, वो भी बहुत बड़ी बात थी। केड़े साल गए इंडिया तो, केड़े साल गए यूक्रेन जो पढ़न दिल्ली गए सी, केड़ा साल? ये मेरा 5वां साल था, 5th ईयर चल रहा है। 2017 में, 2017 अक्टूबर 2017 में गया था मैं। फाइनल ईयर सी, यानी कि फाइनल ईयर दे विच दस्से 6 साल होते हैं, तो सेकंड लास्ट ईयर था। कहा जा रहा है कि उत्थे स्टूडेंट नूं जिहड़े कि वापस नहीं आउण दित्ता जा रहा सी, यूनिवर्सिटी वालों कहा जा रहा सी कि जे तुसीं जाणा तां अपनी जिम्मेवारी ते जाणा, क्योंकि एक जिहड़ा टेस्ट सीगा उह टेस्ट उह कहिंदे सी उत्थे रहि के करो, इह सच है जां किवें? देखिए यूनिवर्सिटी का लास्ट मोमेंट तक जो बयान था वो ये था कि सब ठीक है, कोई वॉर नहीं है, आप लोग जो 6th ईयर के स्टूडेंट थे उनको एक एग्ज़ाम देना होता है जिसके बाद उनको डिग्री मिलती है। तो यूनिवर्सिटी का बयान था कि आप अगर चले गए तो आपका पेपर मिस हो जाएगा, तो आप अपनी जिम्मेवारी पे जाओ, डिग्री आपको नहीं मिलेगी तो आपको दोबारा आके पेपर देना पड़ेगा। तो उनका सोचना ये है कि 9 साल से उनका यही सब चल रहा था, कभी रशिया कुछ करता था, कभी कुछ करता था, उनकी सोच के हिसाब से उनको था कि कुछ नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आई, इंटेलिजेंस आई, उन्होंने उसको नकार दिया। हमारी एम्बेसी की तरफ से जो एडवाइजरी आई थी वो भी 15 फरवरी के आसपास आई थी, क्योंकि किसको इस टाइम पे किसको लगता है कि यूरोप जैसी जगह पे वॉर हो सकता है। तो उस चीज़ को सोचते हुए उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला कि अगर आप जाओगे तो आप अपनी जिम्मेवारी पर जाओगे, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमारे दिमाग में भी रहा कि उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, तो हमने भी सोच लिया कि ठीक है कुछ नहीं होगा, डिप्लोमेटिक चीज़ है। तो कई बच्चे इसी वजह से नहीं आ पाए, इवन दो हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी 15 के आसपास निकाल ली थी। यूक्रेन गवर्नमेंट ने सीरियस नहीं लिया सी जो एडवाइजरी, यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से और जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दोनों डिफरेंट थी। यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को सॉल्व कर लें, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी थी और जो लोकल लोग हैं उनका ये मानना था कि लाइफ नॉर्मली चल रही है, तो कुछ ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, तो जैसा है नॉर्मली चलते रहो। मैं तो की कहना चाहूँगे, तुहाड़ा बेटा अज आ चुका है, बहुत सारे हजे भी जिहड़े कि परिवारां दे जिहड़े कि बेटे ने उत्थे फसे हुए ने, पर तुहाड़ा बेटा अज सुरक्षित जिहड़ा घर वापसी कीती है, की कहना चाहूँगा? बस यही अरदास करनी चाहती हाँ कि सारे बच्चे अपने अपने माँ बाप से खोल आ जाए, होर कुछ नहीं। देख सकते हो कि परिवार जिहड़ा कि मिले अपने बेटे नूं, काफ़ी इस सालों तो जिहड़े कि विदेश गए सन, तो कह सकते हो हुण जिहड़े कि अज वापस इंडिया परते ने। यूक्रेन दे विच हज़ारां दी गिनती दे विच जिहड़े कि विद्यार्थी ने जिहड़े कि उत्थे फसे हुए ने, पर खुशी दे पल जरूर ने, क्योंकि विद्यार्थी जिहड़े कि हुण अज घर वापसी जिहड़े कि विद्यार्थियों ने जिहड़ी कि कीती आ, तुसीं तस्वीरां देख सकते हो मोहाली एयरपोर्ट दीआं तस्वीरां ने, जिथे कि ये विद्यार्थी घरां नूं जिहड़े कि परत रहे ने। तां लगातार भारत सरकार द्वारा वख-वख विद्यार्थियों नूं जिहड़ा कि वापस इंडिया जिहड़ा कि लैंदा जा रहा फ्लाइटां दे माध्यम दे राहीं, अज लगातार जिहड़े कि जिहड़े विद्यार्थी ने यूक्रेन तों जिहड़े कि वापस इंडिया पहुँच रहे ने, मोहाली एयरपोर्ट विखे मौजूद आ। एक नौजवान होर आए ने भाजी, की नाम? सचित सोनी। रहिंदे सीगे यूक्रेन दे विच, गल कीती जावे कि उहो जिहे हालात ने हुण उत्थे? भाजी मैं खारकिव शहर का रहने वाला, तो मैं खारकिव नैशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हाँ। तो हाल कि हाल माड़ी है, फिलहाल तो आप जो गल करिए 23 तरीक तो अटैक शुरू होया, 23, 24, 25, 26 तो अटैक ठीक सी, 27 नू जाके अटैक होर एग्रीगेट होया, सिटी के बंब वजने शुरू हुए, साढ़े अखा सामने आप देखे कि बिल्डिंगों उत्ते बंब वज रहे हैं, तो मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं, तो उत्थे जिहड़ियां ट्रेनां वो फुल आउट चल रही हैं, तो क्योंकि यूक्रेनियन
कंट्री है तो वो यूक्रेनियंस को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रही है, सानू इंडियंस को बथेरे धक्के पै रहे हैं, कोई भी ट्रेन में चढ़ना चाहता है तो उन्होंने धक्के मार के बाहर कढ़े जा रहे थे। भेदभाव किया जा रहा है, बहुत भेदभाव किया जा रहा है यूक्रेनियंस द्वारा, तो धक्के मार मार के सबू बाहर कढ़े जा रहे। जो कोई चढ़ना चाहता तो वो सीधा मुँह तो बोल दे कि $500 दो एक टिकट का, तो अपन उन्होंने चढ़ा लाँगे। कौन बोलते, सरकारी मुलाजिम बोलते उतों के, जो प्राइवेट काम उत्त जो टी सी वगैरह वही पैसे फड़ रहे हैं कि जो तुम जन्म पर चढ़ाने लगी तुझे सीट चाहिए तो तुम फड़ लो तो पैसे दो तुम सीट मिल जूगी कन्फर्म। शायद तो तुम वाया रोमानिया आए होंगे या होर किसी दे वाया पोलैंड, वाया पोलैंड आए हो, पर उतों जान का जोड़ा कि जरिया क्योंकि खारकिव शहर चो निकलना बहुत औखा कहा जा रहा है, उतों फिर किस माध्यम दे रही निकल भाजी आप उतों जोड़ा है। सब तो पहले आप ट्रेन के माड़े में लिखी, सब तो पहले दो रस्ते से एक लवीव सगा जितों आप जाने सारे बस तीन चार सैनिक टर्नों पहले एक लवीव जिते बच्चे जा रहे हैं, तो तीन बॉर्डर ने जो सरकार ने अनाउंस किए वो है हंगरी पोलैंड रोमैनिया स्लोवेकिया भी हैगा, तो आप पोलैंड राही आए हाँ। तो गल की जाए जे तो पोलैंड की तो गल ये कि भाजी उत्तर जो अपना सफ़र है वो औखा ही है क्योंकि बहुत ट्रेन 30 घंटे की ट्रेन से भाजी मेरी 30 घंटे की। इंडियन एम्बेसी वालों सहयोग दिता जा रहा है क्योंकि विद्यार्थी कह रहे हैं कि सहयोग नहीं दिता जा रहा, पर कई कह रहे हैं सहयोग दिता भी जा रहा है, किहो जिहा सहयोग भाजी? जो तुहानूं रियालिटी दसा तो इंडियन एम्बेसी इन कीव ने बहुत घट सहयोग दिता है, जिहड़ी कीव की जिहड़ी यूक्रेन की एम्बेसी, पर जे आपां गल करिए पोलैंड की इंडियन एम्बेसी की तो वह पूरा सहयोग है। आप हुण पोलैंड रहे हैं एज ए रिफ्यूजी तो उत्थे सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जे आप पोलैंड की गल करिए जे एक बार बॉर्डर आप टप गए सी तो सानूं कोई नहीं, पर जे आप रियलिटी की गल करिए तो बॉर्डर तक बच्चों ने आप ही पहुँचना है, उत्थे अपने रिस्क से पहुँचो, सरकार वालों तुहानूं सिर्फ ठिकाना दस्सदे कोई तुसीं इस ठिकाने ते आ जाओ पोलैंड के बॉर्डर ते तुसीं अपने आप पहुँचना, उत्थे सानूं कोई हैल्प नहीं मिली। तुसीं उत्थे रहे हो, एक आर्थिक पक्षों तो नुकसान हो ही रहा है, नाल मानवता का भी बहुत नुकसान हो रहा है, की लगता है कि दो देशों की जो जंग लग रही है कितना क नुकसान हो रहा है, किहो जिहे हालात? भाजी नुकसान बहुत है, मैं देखा जाए तो हूँ बहुत पिछे चलूँगा क्योंकि रशिया आप जानते ज़्यादा ताकतवर देश आ, तो हूँ यूक्रेन बहुत पिछे हो जाए जो आप गल करिए। तस्वीर देख सकते हो परिवार जो कि नाल है जेडे कि यूक्रेन तो वापस जेडे कि फैमिलियां आईया ने, तो लगातार जेडे कि स्वागत है जेडे कि मोहाली एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। तुम तस्वीर देख सकते हो मोहाली एयरपोर्ट दी तस्वीर ने जिथे विद्यार्थी जेडे कि यूक्रेन तो वापस जेडे कि पंजाब परत रहे हैं, तो परिवार वाले नाल जेडे कि बच्चे ने जेडे कि अपने मापियां दे नाल जेडे कि मिल रहे हैं, रिश्तेदारां दे नाल जेडे कि मिल रहे हैं, पिछले काफ़ी समय तो जेडे कि यूक्रेन दे विच सन अते दो देशों की वार दे विच जंग दे विच जेडे कि विद्यार्थी उत्थे फसे हुए सन, खारकिव शहर होवे जां वख-वख जेडे कि आसे पासे दे शहर ने उत्थे जेडे कि विद्यार्थी फसे सन, अते कई दिन बाद जेडे कि अज घर वापस परते ने। तुसीं तस्वीरां देख सकदे हो खुशी दे हंझू आ जेडे कि मापिआं दे अखां दे विच, तुसीं हंझू भी वेख सकदे हो खुशी दे जेडे कि हंझू ने क्योंकि उन्हां दा सपुत्र हुण जां उन्हां दे जो बेटे बेटियां ने जेडे कि वापस जेडे कि इंडिया परत रहे ने, तुहानूं जिहड़ियां कि लगातार जिहड़ियां कि तस्वीरां दिखा रहे हां। तुसीं तस्वीरां देख सकदे हो कि परिवार दे जिहड़े कि वापस जिहड़े कि इंडिया परते ने, तां लगातार तुहानूं जिहड़ियां कि तस्वीरां मोहाली एयरपोर्ट तों दिखा रहे हां कि वख-वख परिवारां दे जो बच्चे ने यूक्रेन तों वापस परते ने अते परिवारिक मैंबर जिहड़े कि मिल रहे ने। तां खुशी दे हंझू भी ने, तां गलबात कर लैने आ। भाजी की नाम है? अकुल नाम है। कि शहर रहिंदे सीगे क्योंकि पहलां भी असीं तुहाडे घर दे नाल गलबात भी कीती, तां की कहना चाहोगे अज लंबे समय बाद वापस इंडिया परते हो ते मापिआं दीआं अक्खां दे विच हंझू देख सकदे हो, खुशी दे हंझू ने, बहुत वधिया लग रहा है अपने देश वापस आके, बहुत वधिया लगे। मैं खारकिव च रहिंदा सी यूक्रेन च, जिहदी हालत हुण तुसीं देखदे ही हो कि बहुत खराब हो चुकी है, सानूं होर कोई ऑप्शन नहीं सी, सानूं जाणा ही पैणा सीगा, ते सानूं मतलब कोई सपोर्ट उधरों यूक्रेन गवर्नमेंट दा सपोर्ट सीगा, बट सानूं कहा गया कि तुसीं वैस्ट साइड ते किसी तरह पहुँचो ते उधरों साडे एम्बेसी तुहाडी हैल्प करेगी, ते असीं थोड़ा जिहा अपना जिगरा दिखा के अपना 8-9 ग्रुप ला के ट्रेन फड़ के बॉर्डर ते पहुँचे, तो उस तो बाद असी रोमानिया पहुँचे, तो रोमानिया के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहना, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी बहुत 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 अच्छी, मतलब उन अपने सिटीजन वांग उन्होंने सानू ट्रीट किया, उस तो बाद साड़ी फ्लाइट फिर असी इतने लैंड किए क्योंकि तुसी उत्थे रहे हो, असी तुहाडे मापिआं नाल गलबात की, तो उदों कहिंदे सी कि जी जिहड़े बेसमेंट के रह रहे हैं मेट्रो स्टेशन के, उन्होंने कहा गया कि तुसी बंद रहो, हालात किहो जिहे ने, हुण दे हालात किहो जिहे?
हुण दे हालात जब ट्रैवलिंग वेले तो मैं हुण पता नहीं है क्योंकि नैट नुट इन्ना चलिया नहीं, बट जिस वेले असी लीव किया उस वेले साड़ी यूनिवर्सिटियां वगैरह तो बम ब्लास्ट शरेआम हो रहे थे, तो असी एक अपने वीर भरा नूं भी उहदे विच खोया, तो दुख लग गया कि साडा जूनियर सीगा, बट हालात तो उत्थे बिल्कुल ठीक नहीं है, हुण पता नहीं कद ठीक होएगा या की होएगा। ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ? ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ? ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ? ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਆਇਆ, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ ਬੰਬਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਸਨ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਤੰਗ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਲਿਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।